नमस्कार गुड इवनिंग राम राम कैम्प हो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग सबसे और आपकी तैयारी आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा जीवन में सब चीज़ें बढ़िया चाहिए लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें आप रेगुलरली थोड़ा पढ़ें कम पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन रेगुलर पढ़ें अगर आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आप अपने टारगेट को अचीव कर ही लोगे और हम आपके साथ रेगुलर कोशिश करते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और ख़ासकर ऐसे टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं ऐसे टॉपिक्स को हम आपके साथ लेकर आते रहते हैं और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरी बात अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक एक अच्छा कंटेंट पहुंच सके और स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपको मैसेज देना चाहूँगा कि अपने सपनों को खासकर जो बड़े सपने हैं उनको कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ शेयर मत करिए वरना वो आपको अपने लेवल से यानी कि अगर आप आसमान पे हो तो आपको जमीन तक ले आएंगे यानी कि अपनी सोच को बड़ा कीजिए और अपने सपनों को बड़ा कीजिए और उनको शेयर और उनको उसी के साथ डिस्कस करो जो एक अच्छी सोच रखता है जो एक अच्छी इमेज रखता है चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे आपके स्पेशल टाइप ऑफ मेज के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि मेज एक इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है इसकी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है अमंग द सीरियल्स और अगर हम बात करें तो मेज की कि मेज इसको जो है हम लोग क्वीन ऑफ सीरियल के नाम से भी जानते हैं और एज़ वेल एज़ मेज यानी कि साइंटिफिक नेम जिया मेज है इसका ओरिजिन आपका सेंट्रल अमेरिका या मेक्सिको है लेकिन अगर हम बात करें मेज के रिगार्डिंग कि उसके अंदर कल्टीवेशन उसके अंदर टाइप ऑफ uh, जो आपकी वेराइटी वगैरह तो नॉर्मल तो आप सब लोग पढ़ चुके हैं जानते भी हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए जैसे किन का, का जो कॉन्सेप्ट है स्वीटकॉर्न पॉपकॉर्न वैक्सीकोर्न या फिर आपका जो ऑयल मेज है या फोडर मेज है इन कॉन्सेप्ट को यहां पर डिस्कस करने का काम करेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें

अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका क्वालिटी प्रोटीन मेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है और किस प्रकार से यह आपको स्टडी करना चाहिए देखो क्या होता है कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि क्वालिटी प्रोटीन मेज यानी कि इसके अंदर आपका जो प्रोटीन कंटेंट है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया गया है जो नॉर्मल मेज होता है और जो आपका क्वालिटी प्रोटीन मेज होता है आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों में एक आपका डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा तो याद रखना कि नॉर्मल मेज जो है इसमें आपका जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो भी एट टू इलेवन होता है और इसमें भी आपका एट टू इलेवन होता है तो अब क्वेश्चन बनता है कि सर

चेंज इसमें देखो नाम से पता चल रहा है कि इसका जो प्रोटीन कंटेंट है उसकी क्वालिटी में क्या हुआ है इंप्रूवमेंट हुआ है यानी कि प्रोटीन कंटेंट तो सेम है बट इसका जो क्वालिटी है वो क्या हो चुका है आपका बेटर हो चुका है क्वालिटी के अंदर आपका एनसमेंट हुआ है तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो आपका नॉर्मल मेज है इसके अंदर आपका एक इंपॉर्टेंट जो सब आपके सीरियल्स में डेफिसिट होता है लाइसिन एमिनो एसिड आप लोगों ने नाम सुना होगा कि एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं ठीक है आपके फूड के अंदर तो यहां पर जो एसेंशियल अमीनो एसिड है लाइसिन वो सभी सीरियलस में क्या होता है आपका डेफिसिट होता है कम होता है लेकिन मेज के अंदर लाइसिन के साथ-साथ एक और इंपॉर्टेंट आपका आ, यहां पर आ, जो है अमीनो एसिड होता है जो कि क्या होता है इसमें डेफिसिट होता है कम होता है तो ट्रिप्टो फेन ट्रिप्टोफेन क्या होगा इसमें लाइसिन भी डेफिसिट होगा और ट्रिप्टोफेन भी इसमें क्या होगा आपका डेफिसिट होगा तो यहां पर लाइसिन और ट्रिप्टोफेन दोनों ही क्या होते हैं नॉर्मल मेज के अंदर आपके डेफिसिट होंगे क्वालिटी प्रोटीन मेज की अगर हम बात करें तो इसमें आपका लाइसिन और ट्रिप्टोफेन दोनों ही क्या होते हैं ज्यादा होते हैं बेटर होते हैं और अब यहां पर क्या है इस दोनों को क्यों इंपॉर्टेंट कंसिडर किया गया क्या कारण है कि जो क्वालिटी प्रोटीन मेज है और जो आपका नॉर्मल मेज है इसके अंदर हम लोग इनको जो है इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो

है, वो क्या होती है आपकी नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है एंड इट इज मोर इंपॉर्टेंट इट इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बट आल्सो फॉर द क्वालिटी ऑफ फीड फॉर पोल्ट्री एंड एनिमल सेक्टर यानी कि ये आपका जहां पर ह्यूमन बींग के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी एनिमल फीड के लिए भी होता है क्योंकि आप लोग जानते हैं पोल्ट्री है, को, है। तो है, को यूज किया जाता है ठीक है तो इसलिए अगर इसकी क्वालिटी बेटर होगी इसमें न्यूट्रिशन क्वालिटी बेटर होगी तो डेफिनेटली जिन एनिमल को हम लोग फीड करने वाले हैं तो उनका भी प्रोडक्टिविटी क्या होगा बेटर होगा उनका भी प्रोडक्शन क्या होगा आपका बेटर होगा अब अगर हम बात करें तो क्वालिटी

करता है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका अगला यहां पर है कि क्वालिटी प्रोटीन बेस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा क्या है प्रोटीन कंटेंट को क्या किया गया उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया गया है क्वांटिटी जो है इसमें क्या है आपकी प्रोटीन की सेम है एज वेल एज अगर हम बात करें तो यहां पर न्यूट्रिशनल एडवांटेज के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन आपका अवेलेबल करवाया गया है आइसोल्यूशन और ल्यूशन का नाम सुना होगा आपने ये दोनों जो आपके एम्यनो एसिड है इनको बैलेंस फॉर्म में लाया गया आगे हम बात करेंगे कि यह क्या करता है किस प्रकार से है लेकिन उससे पहले आप लोग इसको देखिए ये टेबल आपके लिए

लाइसेंस बट एज वेल एज याद रखना कि एफएओ की रिकमेंडेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन है कि कितना होना चाहिए आपका लाइसिन परसेंट होना चाहिए तो वही फोर परसेंट इसमें क्या किया गया है आपका इंक्रीज किया गया है अब अगर हम बात करें कि बायोलॉजिकल वैल्यू जो होती है क्वालिटी प्रोटीन मेज की वो आपकी एट्टी होती है ये वैल्यू क्या तो देखो, आपका वैल्यू का मतलब ये होता है कि टोटल जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम किया गया उसका कितना परसेंट हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल वैल्यू जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सोच के देखिए आपने 100 ग्राम आपका प्रोटीन इंटेक किया उसमें से अगर आपकी बॉडी ने 80 परसेंट कंज्यूम कर लिया यानी कि 80 ग्राम अगर कंज्यूम कर लिया तो वो एट्टी परसेंट आपकी बॉडी

अप्रोक्सीमेटली 90 परसेंट नब्बे प्रतिशत के आसपास होती है ठीक है तो इस टेबल को आप लोग नोट डाउन कर लो यहां पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तब तो तक तो मैं पानी पी लेता हूं जी हम्म चलिए तो अगर हम बात करें हाँ जी तो अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा अब देखिए यहां पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट आप इस प्रकार से समझ गए होंगे कि नॉर्मल जो आपका मेज होता है उसमें प्रोटीन जो अमाउंट आपका होता है अब जैसे फॉर एग्जांपल अपने आप में जो प्रोटीन परसेंट है उस प्रोटीन में जो टोटल अमाउंट होता था उसका अप्रोक्सीमेटली सत्तर क्योंकि मेज का जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है मेज का जो प्रोटीन टाइप है उसको हम क्या बोलते हैं आपका जीन बोलते हैं क्या बोलते हैं जीन तो नॉर्मल मेज के अंदर जो आपका 70 परसेंट पार्ट था वो किसका था जीन का था यानी कि टोटल आपके प्रोटीन परसेंट का लेकिन उसके बाद जब हमारा क्वालिटी प्रोटीन मेज आया तो उसमें हमने क्या कर दिया आपका लाइसिन को और आपका ट्रिप्टोफेन को यहां पर क्या कर दिया गया इंप्रूव कर दिया गया ठीक है ये आपको पहला कॉन्सेप्ट यहां पर पता चला दूसरी बात क्या हुई इसके अंदर आपका ल्यूसिन ये एक आपका यहां पर दूसरा एक एमिनो एसिड होता है इसको भी यहां पर क्या किया गया एनहेंस किया गया पहले क्या था आपका जो नॉर्मल मेज हुआ करता था उसमें आइसोल्यूसिन और आपका ल्यूसिन इन दोनों की अमाउंट इंबैलेंस होती थी मतलब ये आइसोल्यूशन क्या के होने के कारण को भी इसमें बैलेंस किया गया फायदा क्या हुआ इन दोनों के बैलेंस होने से ट्रिप्टोफेन की अमाउंट इंक्रीज हुई ट्रिप्टोफेन की अमाउंट इंक्रीज हुई तो इसने आपका यहां पर नियासिन को भी क्या किया प्रमोट किया ठीक है नियासिन की अमाउंट ज्यादा इंक्रीज हुई क्वालिटी प्रोटीन मेज में तो पहले आपका जब नॉर्मल मेज कंजप्शन करते थे लोग तो उनके अंदर एक डिजीज आपका मोस्ट कॉमन देखने को मिलता था उसको हम लोग बोलते थे पेलेगेरा ठीक है क्या बोलते थे प्लेगेरा तो ये प्लेग्रा जो डिजीज आपका था वो नॉर्मल मेज को कंजप्शन करने की वजह से होता था अगर ज्यादा कंजप्शन किया जाता था फूड के फॉर्म में क्योंकि इसकी वजह से क्या होता था आपका नियासिन की जो अवेलेबिलिटी थी वो बॉडी में कंप्लीट नहीं हो पाती थी तो अभी जो आपका नियासिन है ये क्या होने लगा ज्यादा अमाउंट होने लगी और इसकी वजह से प्लेग्रा डिजीज जो है वो आपका नहीं होगा अगर क्वालिटी प्रोटीन मेज को यहां पर क्या किया जाएगा कंज्यूम किया जाएगा तो इसमें सारा खेल जो है वो आपका किसका है

और वहां पर क्या हुआ था आपका सबसे पहले और ट्रिप्टोफेन के लेवल को इंक्रीज करने के लिए ओपेक टू जीन को फाइंड आउट किया गया डिस्कवर किया गया कि यह जीन है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं ठीक है दूसरा यहां पर आपका रिसेसिव जीन ओ टू जो है यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए आपके इसकी अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए तो दो फैक्ट यहां पर आपको पता चले एक तो ये कि आपका ये जीन रिस्पॉन्सिबल है और वो भी इसका जो है यहां पर रिसेसिव फॉर्म रिस्पॉन्सिबल है जो उसके अंदर क्या कर सकता है इसको इंक्रीज कर सकता है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकता है एज वेल एज उसके बाद में 1980 के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसमें भी फाइंड आउट किया गया कि आपका जो ओपेक टू मेज है जिसके अंदर यहां पर ओ जीन हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो वो उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू को क्या कर देता है इंप्रूव कर देता है लेकिन अब तक क्वेश्चन क्या था प्रॉब्लम क्या थी मतलब ये रिसर्च इतनी हो चुकी थी लेकिन फिर भी उसके बाद में आपका जो यहां पर अवार्ड मिला वो किसको मिला अवार्ड मिला एस के वसल सर को तो ये क्या कारण रहा कि 2000 के अंदर जाकर इसका अवार्ड जो है यानी कि जो हमारा वर्ल्ड फूड प्राइज है वो किसको मिलता मिलता है है सुरेंद्र कुमार वसल सर को मिलता है, और यहां पर इन लोगों ने जो मेहनत की उनका जो है उनको अवार्ड नहीं मिलता कारण क्या रहा उन्होंने जब रिसर्च कर लिया था फाइंड आउट कर लिया था तो क्या ऐसा रहा जिसकी वजह से बाद में यह प्रॉब्लम है आपकी जो है शॉर्ट आउट नहीं हो पाई तो ऐसा होता है कि नॉर्मली जब इनिशियल में आपका डेवलप किया गया था क्वालिटी प्रोटीन बेस को तो उसमें कुछ समस्याएं थी उसमें कुछ चैलेंज थे उसमें कुछ प्रॉब्लम थी और उन प्रॉब्लम को ही रिजोल्व आउट किया गया पहला प्रॉब्लम था कि जो ओपेक टू जीन था ये आपका प्लियोट्रोपिक इफेक्ट शो करता था मतलब एक सिंगल जीन जब आपका दो या दो से ज्यादा करेक्टर को क्या करता है इफेक्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका प्लियोट्रोपिक इफेक्ट तो यहां पर जो ओपेक टू जीन था यानी कि ओ टू जीन था ये रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए यहां पर आपका प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट के लिए तो अब यहां पर कंसिडर किया गया कि इसकी वजह से हो क्या रहा था जब टू जीन इंट्रोड्यूस करवाया गया इसको म्यूटेशन से आपका डेवलप एक प्रकार से यहाँ पर इसको जो है एनेस किया गया तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपका मेज था वो सॉफ्ट हो गया ठीक है नॉर्मल मेज होता था वो क्या होता था आपका हार्ड होता था लेकिन जो क्वालिटी प्रोटीन मेज इनिशियल में डेवलप किया गया वो क्या था आपका सॉफ्ट था और सॉफ्ट होने के कारण इसके ऊपर आपकी डिजीज की ससेप्टिबिलिटी स्पेसिफिकली फंगल ईयर रोट और आपका स्टोरेज पेस्ट ये आपका ज्यादा बढ़ गए और जिसकी वजह से हमारी मेज की यील्ड जो है वो अप्रोक्सीमेटली पच्चीस प्रतिशत तक क्या हो गई डिक्रीज हो गई तो अब देखो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि इकोनॉमिकली अगर लॉस हो रहा है तो फिर वहां पर वो हमारे लिए वर्धित नहीं है कि हम उसको जो है रिसर्च की फॉर्म में अपनाए तो बाद में क्या होता है सिमिट मैक्सिको के अंदर ये रिसर्च किया गया इसको फाइंड आउट किया गया कि जो आपका है उसको भी हार्ड किया जा सकता है और यहां पर आपका जो है एंडोस्पर्म को हार्ड करने के साथ साथ उसके अंदर प्रोटीन क्वालिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं और यील्ड को भी इंक्रीज कर सकते हैं और रेजिस्टेंट बना सकते हैं हम आपका ईयर के अगेंस्ट में तो वो जो काम किया वो किसने किया था ये यहां पर आपका पॉसिबल हुआ था दो साइंटिस्ट की मदद से एक थे आपके कौन सुरेंद्र कुमार वसल जी और दूसरे यहां पर कौन थे आपके एवेंगलिया के द्वारा तो यहां पर ये दो साइंटिस्ट जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया और इसी वजह से इनको 2000 के अंदर क्या मिला था आपका वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था लेकिन ये इन्होंने किया कैसे इस बात को मैं आपको समझाता हूं तो इन्होंने क्या किया सबसे पहले जो आपका सिंगल रिसेसिव जीन था यहां पर ओपेक टू जीन ये आपका रिस्पॉन्सिबल था अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया कुछ मॉडिफायर और एनहेंसर को एड किया जिनकी वजह से क्या हुआ कि जो था उसमें आपका और आपका यहां पर लाइसिन के लेवल को तो इंप्रूव किया ही किया गया एज वेल एज उसके अंदर जो सॉफ्ट एंडोस्पम्प था उसको भी हार्ड कर दिया गया जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल मेज की क्वालिटी थी वो सेम इसके अंदर आपको देखने को मिली लेकिन एज वेल एज इसमें प्रोटीन की अमाउंट भी क्या हुई आपकी इंक्रीज हुई ठीक है और इसके साथ साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहां पर आपका जो सेवरल म्यूटेंट अदर जीन को भी आइडेंटिफाइड किया गया 1960 से लेके 1970 तक ये जीन कौन कौन से थे आपके ओपेक टू फ्लोरी टू ओपेक सेवन एंड ओपेक सिक्स एंड फ्लोरी तो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन भी कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से जीन थे जिनकी वजह से आपका क्वालिटी प्रोटीन मेज के अंदर ये जो है आपका इंक्रीमेंट हुआ या फिर ऐसे और कौन कौन से जीन है जिनकी वजह से पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग इसमें इंप्रूव कर सकते हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्या होता है कि कुछ मॉडिफायर या एनहेंसर को एड किया जाता है किसके द्वारा आपका एस के वसूल सर के द्वारा और आपका जो है एवेंग्लिया विलेज के द्वारा तो इन्होंने क्या किया उसके अंदर आपका जो हार्ड यहां पर जो सॉफ्ट आपका कौन हो रहा था उसको इन्होंने क्या कर दिया हार्ड करने का काम किया और एज वेल एज उसके अंदर आपका रजिस्ट डेवलप किया किसके अगेंस्ट में ईयर रोट के अगेंस्ट में अब जो है यहां पर क्या होता है कि रिसेंटली जो सीमिट मैक्सिको है उसमें और भी डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च के ऊपर वर्क किया जा रहा है जैसे पेडिग्री ब्रीडिंग या क्वालिटी प्रोटीन मेज के जो आपके हाइब्रिड्स हैं उनको डेवलप किया जा रहा है क्वालिटी प्रोटीन मेज और नॉन क्वालिटी प्रोटीन मेज के आपके हाइब्रिड्स को डेवलप किया जा रहा है तो उसके साथ साथ आपका बैक्रोस कन्वर्जन के थ्रू भी पॉपुलर हाइब्रिड कल्टिवार्स को डेवलप किया जा रहा है तो आने वाले टाइम में और भी मतलब मार्कर असिस्टेड uh, जो आपका सिलेक्शन है उस मेथड को फॉलो करके किस प्रकार से इन वेरायटीज को इंप्रूव किया जा सकता है ठीक है तो इस प्रकार की रिसर्चेज अभी कंटिन्यूसली uh, चल रही है और इनको लेकर हो सकता है कि आने वाले टाइम में और बेटर जो है प्रोडक्शन किया जा सकता है तो यहां पर आपको बता में ये कॉन्क्लूजन है आपके सामने कि क्या हुआ कि जो है बायोलॉजिकल वैल्यू तो इंप्रूव हुई हुई प्रोटीन की इसके साथ साथ में इसमें क्या हुआ? आपका? जो है और आपका है, इन दोनों का रेशियो क्या हुआ के बैलेंस होने की वजह से हमारी जो नियासिन की इंक्रीज हुई? हुई जिसकी वजह से प्लेग्रा डिजीज जो आपका नॉर्मल मेज को करने की से हो रहा था उसमें आपको रिडक्शन देखने को मिला एज वेल एज इसमें कैल्शियम की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज गया और यहां पर आपका कैरोटीन जो बायो यूटिलाइजेशन है उसको भी क्या किया गया इंक्रीज किया गया एज वेल एज हायर कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन भी इसमें किया गया तो जिसकी वजह से आपका क्वालिटी प्रोटीन मेज की जो वैल्यू है वो ज्यादा देखने को मिली और आज प्रेजेंट टाइम में वो एक मेजर इंपॉर्टेंट जो है आपका यहां पर रोल प्ले कर रहा है किसके अंदर फूड इंडस्ट्री में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पर सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स हैं जो इंडिया के अंदर आपके डेवलप हुए हैं और उनको यहाँ पर देख सकते हो कि हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज फोर सेवन विवेक्यू क्वालिटी प्रोटीन मेज नाइन है ना तो ये सब आपके शक्तिमान टू थ्री फोर एंड ऑल है ना ये सब आपके यहाँ पर क्या है इसके अलावा शक्ति रत्ना है ना तो आपने प्रोटीना ना, इनका नाम सुना होगा तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है हाइब्रिड है, इसके साथ-साथ में आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा कि क्वालिटी प्रोटीन मेज के अंदर जो आपकी बायोलॉजिकल वैल्यू है वो कितनी है मोर देन 80% परसेंट है यानी कि 80% परसेंट के नियर अबाउट है लेकिन आपका नॉर्मल मेज में कितना था ये आपका 40 टू 50 के बीच में था ठीक है लेकिन अगर हम बात करें वीट और राइस की तो इनके अंदर जो आपकी बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो यहां पर आपको नियर अबाउट टू और जो आपकी राइस है उसके अंदर बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होगी नियर अबाउट मोर देन सेवन देखने को मिलेगी तो इन चीजों को जरूर याद रखना क्योंकि कई बार हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं या फिर आपको एटलीस्ट नॉलेज के तौर पर यह बातें पता होनी चाहिए ना बायोलॉजिकल वैल्यू तो एक कॉमन क्वेश्चन है कॉमन आपको जनरल नॉलेज के तौर पर भी पता होना चाहिए अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो है ना थोड़ा बहुत आपका जो खुद का कहते हैं ना कि यार अपने सेल्फ नॉलेज के लिए भी इन बातों का पता होना चाहिए ऐसे नहीं कि हम लोग सारा दिन मजे कर रहे हैं ना थोड़ा बहुत पढ़ो चलिए वापिस आते हैं आपकी अगली बात के ऊपर अगला यहां पर आपका है बेबी कॉर्न तो आपको मैंने अभी क्या बताया क्वालिटी प्रोटीन बेस बताया लेकिन बेबी कॉर्न में क्या है अब यहां पर आप इसको समझने की कोशिश करना कि जो बेबी कॉर्न होता है वो क्या होता है बेबी कॉर्न एक्चुअल में ये समझ कर चलो कि ये आपका अनफर्टिलाइज कोब होता है यानी कि जिसके अंदर अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ आप लोग जानते होंगे कि मेज के अंदर क्या होता है एक आपका यहां पर आ, मेल फ्लावर होता है और एक आपका फीमेल फ्लावर होता है और फीमेल फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं आपका सिल्क बोलते हैं ठीक है थीके? अब इसमें जो सिल्क है उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता यानी कि मेल के पोलन का ट्रांसफर भी नहीं होगा और उसका फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और उससे पहले जो आपका पोर्ट जो यहां पर बनता है उसको ही हम लोग यूज करते हैं कंजप्शन पर्पज के लिए और यह ज्यादातर आपका रो इटन किया जाता है इसको कच्चा ही खाया जाता है और स्पेसिफिकली इसको आपका सैलेड पर्पज के लिए क्या करते हैं यूज करते हैं अब अगर हम बात करें तो इसमें बताना हुआ कि इसके जो आपके ये silk hairs होते हैं, उनकी length जब आपकी अप्रोक्सी एक से तीन सेंटीमीटर तक की हो जाती है, तब हम इसको क्या कर लेते Harvest कर लेते लेते हैं, हैं। अब क्या रहेगा कि इसके अंदर पूरा पूरा इसकी जो length होनी वो कितनी होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली सिक्स टू इलेवन सेंटीमीटर नाइन टू इलेवन सेंटीमीटर को मिलती है लेकिन यहां पर आपका और ये कब आपका हार्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जब सिल्क अप्रोक्सिमेटलीमेज हो जाता है तो उसके विद इन टू थ्री डेज में हम लोग क्या कर लेते हैं इसको आपका हार्वेस्ट कर लेते हैं, और इसका जो डायमीटर है उस टाइम पर कितना होता है नियर अबाउट फाइव सेंटीमीटर डायमीटर देखने को मिलेगा अब अगर हम बात करें

इंसेक्ट अटैक करते लेकिन जब आपका इसको अर्ली स्टेज में हार्वेस्ट कर लिया गया तो डेफिनेटली एक्सपोजर कम होगा आपका केमिकल का, और केमिकल का एक्सपोजर कम हुआ तो रेजिडियल इफेक्ट भी इसमें क्या होगा आपका कम होगा और यहां पर एक चीज को और समझने को मिलेगा यहां पर क्या है कि जो बेबी मेज है उसकी सोइंग जो है वो ज्यादातर आपकी अप्रैल से लेके अगस्त तक की जाती है और यहां पर दो या दो से ज्यादा मेच्योर हो, हो जाता है एक बात और बताना चाहूंगा कि ज्यादातर अगर हम मार्केट में कंटिन्यूस आपकी अवेलेबिलिटी को मेंटेन करना चाहते हैं और यहां पर हम लोग लगातार उसको मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टैगर्ड सोइंग जो है आपको रिकमेंड की जाती है स्टैगर्ड

22.7 क्विंटल होगा और एवरेज ग्रीन फॉर्डर की बात करते हैं तो 270 hectare, 53 में देखने को मिलती है 53 के बाद आपका और कॉर्न की इसमें अप्रोक्सीमेटली इस कितना होगा वन सेंटीमीटर एंड दिस इज द एक्चुअल कॉर्न दैट इज कंज्यूम्ड और यू कैन सीट दैट इज द इटन रो है ना? ये आप लोगों को पता होना चाहिए एज वेल एज अगर हम यहां पर बात करें तो कॉर्न इसको भी आप लोग समझ की कोशिश करना चलिए तो स्वीट कॉर्न क्या है तो स्वीट कॉर्न या स्वीट मेज को हम लोग क्या समझते हैं कि, है कि आपका डिफरेंट आप हुआ उसमें आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोटीन को क्या किया गया चेंज किया गया इंप्रूव किया गया दूसरी तरफ बेबी, बेबी कॉर्न की अगर हम बात करें तो वो कैसे डिफरेंट है उसको जस्ट हमने अनफर्टिलाइज कंडीशन में क्या करना है हार्वेस्टिंग करना है उसी प्रकार से जो तो आपका यहां पर स्वीट कॉर्न है वो कैसे डिफरेंट है तो एक तो स्वीट कॉर्न आपका जो है उसमें उसका जो शुगर कंटेंट है वो क्या है इसमें आपका ज्यादा है ठीक है नॉर्मल मेज के रिस्पेक्ट में इसमें शुगर कंटेंट होता है वो क्या होता है आपका ज्यादा होता है तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि एक तो ज्यादा ज्यादा टेस्टी होता है रिच सोर्स होता है किसका वाइटामिन सी और वाइटामिन ए का ये आपका इटन किया जाता है रो और इसके साथ साथ में इसको बॉइल्ड या स्टीम फॉर्म में भी मतलब खाया जाता है आप लोगों ने ज्यादातर आजकल आप अगर, अगर, अगर कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं या फिर कहीं घूमने वगैरह जाते हैं मेलों में जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा स्वीट कॉर्न वाला हर जगह पर आपको देखने को मिल जाता है अगर वो वही बात है कि कोई गरीब आदमी ने बेचारा ने अगर लगाया हुआ है तो वो बीस तीस रुपए में आपको पर कप दे देगा और अगर आप बड़े मतलब कहीं शोरूम में चले जाओगे तो वही चीज आपको कहते

नेक्स्ट आपका पॉपकॉर्न तो पॉपकॉर्न के रिस्पेक्ट में ये बताना चाहूंगा कि इसका पर्टिकुलरली यही सेम फंडा है कि आप लोग जो एक प्रकार से पॉपकॉर्न खाते हो है ना उसी की बात हो रही है तो इसमें कुछ अलग नहीं है बस इतना अलग है कि भाई ये जो आपका पॉपकॉर्न होता है इसको जब आपका मेज ग्रेन को हीट किया जाता है वन डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो उस टाइम पर यह आपका क्या हो जाएगा स्वेल होगा और स्वेल होकर क्या हो जाता है ब्रस्टअप हो जाता है और इनसाइड आउट आपका जो है जो आप लोग फुलियाँ खाते हो जो आपके पॉपकॉर्न खाते हो उस प्रकार का वो देखने को

फोर्डर मेज क्या है एक किस प्रकार का मेज है जिसको नॉर्मली एनिमल के फीड या एनिमल के फोर्ड पर्पज के लिए यूज किया जाता है आप लोग जानते होंगे कि मेज जो है वो आपका बेस्ट साइलेज क्रोप कंसिडर किया जाता है क्या किया जाता है आपका बेस्ट साइलेज क्रॉप यहां पर इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारा बेस्ट साइलेज इसको है, वो भी आपका डेवलप किया जाता है, और इसका यही होता है कि इसकी जो क्वालिटी है उसके अंदर ज्यादा बेटरमेंट किया जाए ताकि आपका जो एनिमल इसको फीड करे वो इसको कंज्यूम करे तो उसके लिए ज्यादा वहां पर न्यूट्रिय बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा हो पाए और वो जो है उसको ज्यादा बेटर यूटिलाइज करके

आने वाले टाइम के लिए और भी आपके क्वालिटेटिव सेशंस आपको दिए जाएंगे थैंक यू सो मच मिलते हैं धन्यवाद जय हिंद जय भारत